जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वैन के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यहां बताया कि डोडा के राल नाला में शाम तकरीबन 6:30 बजे एक इको वैन हादसे का शिकार होकर तकरीबन 200 मीटर खाई में गिर गई, जिससे 2 खवातीन, 2 मर्दों और एक बच्चे की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त राकेश कुमार, ममता देवी, स्मृता देवी, बबली देवी और चंद्र रेखा के तौर पर की गई है। ये तमाम नागरी डोडा के रहने वाले थे। वजीर आजम के दफ्तर में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सड़क हादसे के मुतासरीन को जरूरी मदद की पेशकश की है। वो कठुआ उधमपुर हल्के से रुकने पार्लिमान है। डॉक्टर सिंह ने ट्विटर पर कहा कि डोडा के रागी नाला में हुए अफसोसनाक पेश आए वाकये में कीमती जिंदगियों के नुकसान से दुखी हूं। मैं अभी हालांकि आसाम में हूं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर डोई फोन से बात की और इंतजामिया की फौरी कार्रवाई की तारीफ की।